अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और बिजनेस आर की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं शहरयार। मैं हूं वाजिद अली और आज हम पाकिस्तान के बिगेस्ट टेक इवेंट फ्यूचर फेस्ट के डे टू पर मौजूद हैं। आज के हमारी बेसिकली हमारा प्लान ये है कि आज हम डिफरेंट सीईओज और डिफरेंट एक्सपर्ट के साथ आपको वन ऑन वन बातचीत करवाएंगे। तो हमारे पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं सैयद अली इमरान साहब, जो कि एक विजिट वीजा कंसल्टेंट एंड इमिग्रेशन लॉयर हैं फ्रॉम बिजमिन एजुकेशन कंसल्टेंट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो इमरान साहब, पहले तो बताइएगा कि आपका ये बिज़नेस कितनी देर से आप इस बिज़नेस में हैं और आप क्या क्या किन किन चीज़ों में डील करते हैं? अच्छा जी, मैं अभी 10 ईयर से इस बिज़नेस में हूँ और एजुकेशन के जो एडमिशन आए बच्चों के वो करता हूँ और इमिग्रेशन का काम करता हूँ। और मुझे जो है आप कह सकते हैं कि लोग जानते हैं विजिट वीज़ा स्पेशलिस्ट के नाम से। विजिट वीज़ा स्पेशलिस्ट के लिए मैं तो सबसे पहले इस पर ही बात करूँगा कि आमतौर पे बच्चे आजकल विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं कि जी हमने जाना है बाहर, तो लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, उसकी जस्टिफिकेशन, अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो देखें और अपनी बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक अपने जो फंड्स की जस्टिफिकेशन है वो आप दें। उसके बाद आप वीज़ा का अपने टूल्स जो हैं वो आप पूरे करें, फिर उसके बाद अब एम्बेसी से रुजू करें उसकी सबमिशन के लिए। इमरान साहब, ये ज़रा आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर, उनकी जो एक फेवरेट डेस्टिनेशन होती है वो यूके होती है, यूएस होती है, कनाडा होती है, लेकिन लोगों को इतना नहीं पता होता कि उसकी वीज़ा की टाइप्स वगैरह क्या है और वो किन वीज़ा को किस वक्त अवेल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एलैबोरेट कर देंगे आप? अच्छा जी, मैं इसमें कर देता हूँ। ट्रैवल हिस्ट्री की बात की, स्टूडेंट की ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी कितनी होगी? देखिए, स्टूडेंट्स की ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपने एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है तो उसमें उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो तकरीबन 28 डेज की चाहिए उन्हें स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स को शॉर्टकट लेते हैं, ठीक है जी। अगर 28 डेज नहीं है, ठीक है, फिर डेफिनेटली आपका वीज़ा जो है ना वो रिजेक्शन होगा। अगर आपको कोई कंसल्टेंट या कोई एजेंट कहता है कि भाई ये हमने ये करना है तो आप इसको जनाब इसको 5 डेज में हम सबमिशन कर देंगे, ऑफ़र लेटर आपका मंगवा लेते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाएगी, आपकी कैश लेटर आ जाएगा, तो वो आपके साथ गलत बयानी कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा के लिए के अलावा सबसे हॉट जो है आजकल जो चल रहा है कि आप वर्क वीज़ा पे लोग बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्क वीज़ा के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मैं वो पढ़े लिखे लोगों के लिए कहूँगा कि जो जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। एक अगर चीफ अकाउंटेंट है, अगर अकाउंटेंट है, अगर वो चाह रहा है कि मैं जनाब यूके चला जाऊँ, एजेंट कहता है जी ठीक है मैं आपको भेज देता हूँ, वो वेब डेवलपमेंट की वीज़ा पे भेज देता है। इमिग्रेशन ऑफिसर यूके में उसका जब इंटरव्यू करता है क्या, वो लैपटॉप खोल के रख देता है, कहता है जी आप कोटिंग करें। उसमें ही होता है वो कासिर होता है कोटिंग करने के, वहाँ से उसकी वीज़ा की रिजेक्शन हो जाती है। यानी ये जो तासुर है कि आप जो अपनी CV में लिख देंगे वो एज इट इज़ वो एक्सेप्ट कर लेंगे, जबकि वो प्रैक्टिकल भी आपका टेस्ट लेते हैं वहाँ। देखें, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये देखें, ये प्रोसीजर है 5 ईयर का, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपसे एक एजेंट कहता है जी मुझे आप पैसे दे दें मैं आपका काम कर दूंगा। भाई पैसे आपने दे दिए काम, आप ये देखें कि आपने उस डोमेन में यूके में जाके सर्वाइव कैसे करना है। एग्जैक्टली, आपने आगे करना क्या? अगर आपने देखें, अगर वहाँ जाके आप जाएंगे, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आजकल वो हेल्थ केयर पर बहुत लोग जा रहे हैं, ठीक है जी, वहाँ जो लोग हैं जो हेल्थ केयर पर गए हैं, अभी 140+ कंपनीज हैं लास्ट मंथ उन्होंने बंद किए यूके ने। स्कैम है, बहुत बड़ा एक स्कैम है, ये एक माफिया बहुत बड़ा, ठीक है। अपनी डोमेन आप देखें, अगर आप वेब डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं या नर्स हैं, आप अपने जो लाइसेंस है, ठीक है, Lab 1 जो है उसको क्लियर करें, उसके बाद आप यूके के लिए अप्लाई करें। लेकिन स्पेसिफिकली अपनी नीश में करना है आपको, ये नहीं है कि अगर आपने, आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि बच्चों की फ्यूचर के लिए जाना है आपने, ठीक है। तो ये जैसे आपने वर्क वीज़ा का बता दिया तो साथ थोड़ी बहुत कैटेगराइज कर दें ताकि जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाए, वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और कोई, ठीक है। इसके अलावा इंट्रा ट्रांसफर वीज़ा है, वो कंपनीज जो यहाँ भी मौजूद हैं, लंदन में भी हैं, ठीक है, उनके लिए यह उनका 1 ईयर का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, उनके उनका जॉब का टेन्योर वो ट्रांसफ़र भी हो जाता है, ठीक है, उसको भी मैं डील करता हूँ। उसके अलावा जो है आप अगर बात करते हैं कि शेंगेन स्टेट की, ठीक है, शेंगेन स्टेट में मैं D2 करता हूँ, D3 करता हूँ, D7 करता हूँ, ये वो वीज़ा हैं जो बिजनेस वीज़ा हैं, ठीक है। अच्छा सर, इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि D2, D3, D7 वीज़ा कौन से हैं और इनमें फ़र्क क्या है आपस जी? ठीक है, देखिए D2 वीज़ा जो है वो आप यहाँ से अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ, ठीक है, बिज़नेस करना है आपने तो आप D2 पे जाएंगे। आपने यहाँ जो कंपनी है वहाँ भी आप करना चाहते हैं तो आप D2 पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ D3 पे आ जाएँ, ठीक है। D3 जो वीज़ा है ये वो लोग हैं
जो चाहते हैं कि यार हम वहाँ जनाब जाकर अपना कुछ सेटअप बना लें, कुछ ऐसा सिस्टम कर लें, जाके हम देखते हैं अपनी कंपनी या वहाँ स्टार्ट करेंगे, स्टार्टअप जिसको आप कह लें, ठीक है, स्टार्टअप का काम है। फिर आप D7 पे आ जाएं, वो लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, वो कहते हैं यार हमने बाकी लाइफ जनाब हम गुजारना चाहते हैं यूरोप में, ठीक है, उसमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आप इतने अच्छे से अगर आप कर रहे हैं वहाँ काम, ठीक है, तो उसकी पूरी उनकी जो जो पेंशन है, बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी एक लंबी एक लिस्ट है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सॉर्ट आफ्टर वीज़ा है वैसे, आफ्टर रिटायरमेंट जो है। यस यस यस, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। और मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आपको अपनी जो फ्यूचर के लिए एक्सप्लोर करना चाहिए वर्ल्ड को। अच्छा, ये अली रहमान साहब, वीज़ा रिजेक्शन की आपने बात की है, तो कौन सी ऐसी पाँच या कोई टॉप चीज़ें बता दें जिसकी वजह से हर दफ़ा आप यकीनन रिजेक्शन होती ही होती है? देखिए, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगर आप फॉर एग्जाम्पल एजेंट कहते हैं जी आप मुझे पैसे दे दें, कहते हैं मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है जी, हम आपको 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट दे दें, लेकिन मेक श्योर करें कि वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें आप ये देखें, बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी जेन्युइन होनी चाहिए, नंबर। उसके साथ अगर आपने विजिट पर जाना है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका उसमें आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट, आपका पर्सनल बैंक अकाउंट, उसकी प्रॉपर फंड्स की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं अगर आपके पास हैं, मौजूद हैं, तो फिर तो आपको प्रसू करना चाहिए वीज़ा को बिजनेसमैन के लिए। अगर एक यंग लड़का कहता है कि सर मैंने तो बाहर जाना है, तो बिजनेसमैन शो कर दे, तो मोस्टली उस पर रिजेक्शन है, एजेंट आपसे पैसे ले लेगा, दैट्स इट। लेकिन ये टेन्योर है 6 मंथ की, तो आपने बैंक स्टेटमेंट और उसके साथ आपने टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो सबमिशन करना है उनका, ठीक है। अली इमरान साहब, लास्टली मैं चाहूँगा आप हमें ज़रा बता दें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनुअली अप्लाई करते हैं डिफरेंट वीज़ा के लिए, डिफरेंट मुल्कों के लिए, तो कौन सा मुल्क इस वक्त सबसे हॉटेस्ट जगह डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए, और उनको कोई गाइडलाइंस अगर आप देना चाहें कि प्रॉपर के उनको इंश्योर होकर उनको वीज़ा मिल जाए। एंड ऑल्सो यूनिवर्सिटीज़ का मैं पूछना चाह रहा था कि आपके पास तो पैनल ऑफ यूनिवर्सिटीज होगा, बट अगर किसी स्टूडेंट की अपनी चॉइस है यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या मुमकिन है कि नहीं, अगर है तो कैसे है? शेर यार, पहली बात तो यह है कि आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। उसमें यह है कि अगर स्टूडेंट ने अप्लाई करना है स्टूडेंट वीज़ा पे ही, ठीक है, डेफिनेटली उसको जो यूनिवर्सिटीज़ का उसका आइट्स का रिजल्ट देखना पड़ेगा, उसके रिजल्ट आइट्स के रिजल्ट क्या है, उसके CGPA देखने पड़ेंगे, उसके CGPA क्या है। अगर उसके CGPA अच्छे हैं, आइट्स का रिजल्ट बेहतर है, ठीक है, फिर तो डेफिनेटली उसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, जिसमें मैं सजेस्ट करूँगा कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन है, ठीक है, कि जब आप वहाँ आफ्टर कम्प्लीशन आपको PSW भी मिल रहा है, बाकी चीज़ें मिल रही हैं, और कंपैरेटिवली जो आपके आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि हॉट कौन सा है, देखें मैं सजेस्ट करूँगा, देखिए ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है, कंपैरेटिवली UK जो है, ठीक है, बाकी कंट्रीज से कंपैरेटिवली वो चीप भी है। अच्छा, एक ये आजकल बड़ी हॉट टॉपिक हॉट न्यूज़ ये भी कि आपको ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा आपको काफ़ी आसानी से मिल जाता है, तो क्या इस बात में हकीकत है कि आसानी से मिल जाता है? अच्छा नहीं, ऑस्ट्रेलिया देखें आसानी से तो कोई वीज़ा नहीं है, ठीक है, हर चीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसमें तो ये चीज़ फर्स्ट है कि आपको अपना जो CGPA देखना है, आपको अपना आइट्स का रिजल्ट देखना है, ठीक है, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपने फंड्स देखने हैं। अगर आपके पास फंड्स भी हैं, आपके पास आइट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं है, CGPA अच्छा नहीं है, आपका वीज़ा नहीं लगेगा, नो वे। ठीक है, इमरान साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। इसके साथ मैं एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, देखिए अभी जो गवर्नमेंट ने अभी जो प्रोग्राम शुरू किया है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जाने के लिए, जी कनाडा के लिए, ठीक है, कि लोग कनाडा जाएंगे, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि गवर्नमेंट कभी ऐसा होगा कि पाकिस्तान से गवर्नमेंट लेवल पे इतनी बड़ी सपोर्ट होगी। और मैं ये सजेस्ट करता हूँ उन स्टूडेंट्स को, उन प्रोफेशनल्स को, ठीक है, CM साहब ने जो प्रोग्राम ये शुरू किया है इसको ऑन करें और इसको आगे लेके चलें, ताकि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी चीज साबित हो। चलें, अभी उन्होंने अनाउंस तो कर दिया, लेट्स सी मटेरियलाइज कब होता है, कैसे होता है। जी डेफिनेटली, थैंक यू इमरान साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।